नमो वे ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम अखंड मंडलाकार व्याप्त फैन जराजरम धर्मनम दर्शित फैना दशमे श्री गुरु भे नमः। हरि ओम स्वस्ते नो अब स्वस्ति वाचन के बाद हमारे पहाड़ की यही तो बेटा यही पे हमारे पहाड़ की जो लोक संस्कृति कला है वाद्य यंत्रों से बुनियादी दो मिनट जोरदार माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन। अब स्वागत कार्यक्रम में मैं निवेदन कर रहा हूँ मंदिर समिति के अध्यक्ष ढोंडियाल जी से कि वो आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें खुश मानस से श्रीमान ढोंडियाल। एक शॉल भेजिए जरा ऊपर मैं एक
31 कीर्तन मंडलों ने इसमें हिस्सा लिया है, उनकी ओर से, हिमनद महिला संघ की ओर से और श्रीमद भागवत समिति की ओर से, और आप सब श्रद्धालुजनों की ओर से अपने उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का ये शॉल सादर सादर भेंट कर उनका अभिनंदन कर रहा हूँ। अब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ पुष्पगुप्त से, सिर्फ हिम्मत की महिला अध्यक्ष गायत्री जैड़ा, जरा जल्दी जल्दी आते रहेंगे नाम, गायत्री जैड़ा के बाद हमारे जो गढ़वाल से बहुत पुरानी जो यहाँ पे कीर्तन मंडली है परमेश्वरी पांडे जी आ गए, परमेश्वरी पांडे जी, इसके बाद गंगा बिस जी आ जाए साथ में, गंगा बिस गंगा बीजी, गंगा बीजी। अब तुलसी का एक पौधा हमारी पूर्व निगम पार्षद गीता रावत जी और एक माला हमारी पूर्व निगम पार्षद सत्या जोशी, अब मैं प्रार्थना कर रहा हूं इस क्षेत्र के लोकप्रिय निगम पार्षद रवि नेगी जी से, वो आए एक माला से माननीय प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री सत्य बता रहा हूँ इस बात को कि मैंने जब भी बोला मेरे मुंह से प्रधानमंत्री निकल रहा है, राम जी से यही चाहता है प्रधानमंत्री है ना, तो ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री होंगे तो जैसे उत्तराखंड हमारा आगे बढ़ रहा है, ये देश भी मोदी जी के साथ जैसे उन्होंने छत्र छाया में उनके कार्य से बढ़ा, तो ऐसे ओजस्वी और तेज प्रधानमंत्री हो ऐसे हम राम जी के इस मंच पर ये भी प्रार्थना करते हैं, क्योंकि बार बार मैं जब भी आज बात कर रहा हूँ अब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ श्री मनीष डंडरियाल से कि वो जल्द आ जाए, राम जी का एक दरबार, राम जी का कार्य है, तो मनीष डंडरियाल जी आ जाए, राम जी का दरबार अशोक कालाजी और रोहित सिंह जी, जल्दी जो नाम आपने पहले यहाँ अशोक कालाजी और रोहित सिंह नेगी जी, राम जी का दरबार, श्री दीपक डंडियाल जी एक रामचरित मानस भेंट करेंगे, रामचरित मानस दीपक डंडियाल जी, एक सम्मान चित्र विनोद नोगाई जी, आशीर्वाद देने के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं बहन जानकी जोशी जी से कि वो एक भगवान की पीतांबर वस्त्र से आशीर्वाद देंगे हमारी बड़ी बहन जानकी जोशी जी, माननीय मुख्यमंत्री मैं तो थोड़ा हूँ बिजी होकर, तो जरा जल्दी जल्दी करो भाई, एक भगवान का अंग वस्त्र विजय जुयाल, विजय जुयाल अब जल्दी से आ जाएंगे, श्री मोर सिंह रावत जी, श्री भीम सिंह भंडारी जी हैं क्या माला से, चले चले, श्री शैलेंद्र जैन जी जो प्रसाद है हमारा इस राम कथा का वो प्रसाद सिंह,
ठीक है, बढ़िया है, सही चल रहा है। श्री हयात सिंह जी, श्री अंकुश शर्मा, श्री दिनेश पुनियाल जी बीच में आ रहे हैं, बीच में आ जाओ, भाई ने इतना इतना तो हो जाएगा, बीच में चले जाओ। अब यहाँ पर एक माला से श्री राजकुमार कसाना जी है हमारे मित्र, उप मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करेंगे, श्री कपिल नागर जी और श्री अभिषेक पांडे जी। हमारे बीच में हमारे गढ़वाल विभाग के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालक जी बैठे हैं, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा पुष्प माला से वो भी पूज्य हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करेंगे, श्रीमान अंशव प्रसाद सुनिया। अब मैं हिमनत की बहनों से प्रार्थना कर रहा हूं कि वो आए एक एक मुख्यमंत्री जी के, हिमनत की बहनें जल्दी आए, गाय कहा हिमनत महिला संघ की बहनें आए जल्दी से, जल्दी आओ। महिला संघ की जो पूरी शक्ति है हमारी, बहुत बहुत धन्यवाद, जरा जोरदार ताली बजाइए एक बार, जोरदार ताली। ताली इसलिए कि 22 जनवरी को 2024 माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से अयोध्या में हमारे रामलला, जिसकी प्रतीक्षा हम कई सैकड़ों वर्षों से कर रहे थे, वो पुनः सिंहासन आरूढ़ हो रहे हैं, और जो राम जी का भव्य मंदिर वहां पर स्थापित हुआ जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी छोटे थे बाल रूप में, तो उनका अथक योगदान विद्यार्थी परिषद के समाप्त विद्यार्थी परिषद में थे, तो एक बड़ा योगदान उत्तराखंड के सभी विद्यार्थी परिषद के लोगों के साथ उस आंदोलन में रहा। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आगे भी और कार्यक्रम है, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना कर रहा हूँ कि वो हम सबको यहाँ पर, माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा भारत है हमारा, इस संस्था से सभी लोग जुड़े, एक छोटा सा रह गया हमारे राणा जी, एक माला से राणा जी आइए, अर्जुन जरा एक माला दीजिए, सॉरी पीछे रह गया, जल्दी आइए अब बाकी कोई रह गए हो तो मैं छुपा चाहता हूँ, कोशिश पूरी की कि सारा उत्तराखंड शामिल किया जाए अभिनंदन में, किया भी है कोई फिर भी छूट गया हो तो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, फिर एक बार ताली जरा जोर से बजाइए, देखिए उत्तराखंड का जितना सुंदर उत्तराखंड है, जितना प्यारा उत्तराखंड है, उतने ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि हम सबका अपनी ओर से राम जी को प्रणाम करते हुए, पूज्य व्यास जी को प्रणाम करते हुए, और हम सबके सामने उद्घोष।
सर मैं कर दीजिए स्पीकर के पास। भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, भगवान बद्री विशाल की जय, भगवान बाबा केदारनाथ जी की जय, हमारे सभी देवी देवताओं की जय, व्यास देश गद्दी की जय, हमारी मातृशक्ति की जय, भगवान बद्री विशाल प्रांगण में 18वां धार्मिक महासम्मेलन श्री राम कथा इस सुंदर आयोजन में हमारे वेद व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य डॉक्टर गीताराम त्रिपाठी जी, पूज्य आचार्य जी, हमारे इस पूरे कथा के और ऐसे 18 महासम्मेलन धार्मिक इन्होंने आयोजित किए और मैं कहूँ कि एक लंबा कालखंड जिनका सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में लगा है और मैं तो बहुत छोटा था तब से मैं भाई साहब को देखता रहा हूँ। अनेकों अनेक भारतवर्ष के बड़े बड़े नेताओं के सामने आपने काम किया है और आज भी लगातार इस प्रकार के आयोजन करके उसका संयोजन करके सामाजिक क्षेत्र में राजनीतिक क्षेत्र में अपना निरंतर योगदान देने वाले हमारे मेरे बड़े भाई आदरणीय नरेंद्र जुयाल जी, श्री वीएल ढोंडियाल जी, यहाँ के इस निगम के पार्षद भाई रवि नेगी जी, श्री विजय जुयाल जी, श्रीमती गायत्री जाड़ा जी, हिंडन महिला संघ की अध्यक्ष श्रीमती पीना जोशी जी, विजय प्रकाश भट्ट जी, मूर सिंह रावत जी, भीम सिंह भंडारी जी, सत्या जोशी जी, अर्जुन राणा जी, गीता जी एवं इस आयोजन में सम्मिलित होने वाले हमारे सभी भक्तगण, सभी हिम्मत की हमारी बहनें, सभी आई हुई मातृशक्ति, सभी मेरे उपस्थित नौजवान साथी, पत्रकार मित्रों एवं छायाकार, मैं सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद करता हूँ। वीरेंद्र भाई साहब का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इतने सुंदर राम कार्य में सहभागी होने का अवसर प्रदान किया। आपने मेरा जोर शोर से इतना स्वागत किया, बड़े आशीर्वाद दिया, मैं भी आपको दोनों हाथ जोड़कर सर झुकाकर प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और बड़ा सुंदर अवसर है कि इन्होंने पूरी देश दुनिया के अंदर अध्यात्म के रूप में राम कथा के क्षेत्र में भगवताचार्य जी सीताराम त्रिपाठी जी का बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर इस सबको ले जाने का काम किया है और हमारे इस कथा के संयोजन का जिन्होंने काम किया, ऐसे धार्मिक आयोजनों का संयोजन का काम करते हैं। अभी वेद गद्दी से हमारे व्यास जी गीताराम जी कह रहे थे कि उनको जो है पदासीन के लिए कहीं लगाइए और देखिए प्रभु राम की कृपा होगी तो अपने आप ही पदासीन हो जाते हैं। अभी गीता अभी भारत सरकार ने आपको रामवाणी बोर्ड का पूरा डायरेक्टर बनाया है, देश का बहुत बड़ा काम किया है। मैं आपका भी आभारी हूँ कि आपने मुझे भी बुलाया। हम सब बहुत ही सुंदर आयोजन है यहाँ पर सम्मिलित हो रहे हैं और ये जो राम कथा है ये ऐसा दिव्य कार्य है कि इसमें किसी को बुलाने से भी नहीं होता। जिस पर भगवान राम की कृपा होती है वही यहाँ तक पहुँच पाता है और आप सब लोग जितने लोग आए हैं इतनी बड़ी संख्या में तो आप निश्चित मानिए कि आप सब पर भगवान राम की बहुत बड़ी कृपा है। अन्यथा देखिए आप यहीं है, विनोद नगर पश्चिम में, विनोद नगर उत्तर में, विनोद पूर्व में, इतने हजारों लाखों लोग रहते हैं, क्यों ये हजारों ही लोगों को यहाँ सम्मिलित होने का अवसर मिल रहा है। तो ये मानिए कि जो लोग यहाँ पहुंचे हैं उनके ऊपर तो सीधे सीधे भगवान राम की कृपा है और भगवान राम का नाम जपना ही अपने आप में
अनेकों संकटों से, अनेक समस्याओं से, अनेक चुनौतियों से, अनेक बाधाओं से हमको दूर कर दिया। कोई भी मार्ग कितना भी कठिन क्यों न हो, हमारे मुंह से जब वो निकलता है ना, 11 अक्षर का कहते हैं जय राम श्री राम जय जय राम, तो इससे जो है सारे हमारे जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी चुनौतियां हैं, वो आसान हो जाती हैं। क्योंकि भगवान राम का जीवन स्वयं किस प्रकार का था, उनको व्यास जी ने, डॉक्टर साहब ने बहुत विस्तार से हम लोगों को इस रामकथा में बताया होगा कि जब वो राजगद्दी पर विराजमान होने वाले थे, जब राज सिंहासन उनको मिलने वाला था, उसी समय उनको वनवास मिल गया। और वनवास भी उन्होंने बिल्कुल मन में कोई किसी प्रकार का संदेह नहीं, किसी प्रकार की चिंता नहीं, किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं, उन्होंने अपने पिता की आज्ञा पर सीधे वन को प्रस्थान कर दिया। और उनके जो चेहरे के जो तेज था, वो तेज कई हजारों गुना राजगद्दी छोड़ने के बाद वन को जाने के समय में उनके चेहरे पर जो है दिखने लगा। और एक पुत्र के रूप में इससे शानदार उदाहरण क्या हो सकता है कि जब पिता की आज्ञा थी उसका पालन किया, एक भाई के रूप में भरत के साथ किस प्रकार का उनका व्यवहार था, कि एक भाई कैसा होता है, वो उन्होंने इससे हम सब के लिए एक रास्ता छोड़ा। इसी प्रकार से मित्र के रूप में केवट हो या सुग्रीव हो, किस प्रकार से मित्रता निभानी चाहिए, और किस प्रकार से एक राजा के रूप में आज भी हम सब लोग अगर किसी की कल्पना करते हैं, किसी की बात करते हैं, तो कहते हैं कि राम राज्य जैसा राज्य होना चाहिए। यह उनके राज्य की विशेषता थी। इसमें प्रजा को ही सर्वोपरि रखा गया, प्रजा के सुख की चिंता की गई, उनकी खुशहाली की बात की गई, ऐसा राम राज्य उन्होंने देने का काम किया। और हम सब जानते हैं इसी नए वर्ष में हम लोगों ने लंबे समय से, अभी जैसा ऐसा कह रहे थे वीरेंद्र जी के बाल्यकाल से, मैं भी, क्योंकि मैं भी और मेरे काल से जितने भी लोग यहाँ हैं राम भक्त राष्ट्र भक्त, सब लोग लंबे समय से हम सोचते थे, हमने काल सेवा करी कि भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनना चाहिए, और कहते थे राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। क्या कहते थे? राम लला हम आएंगे, कहते थे ना, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, ऐसे नारे लगते थे। और भगवान राम की कृपा हुई, 2014 में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, और तभी से उन्होंने ये प्रयास करना शुरू कर दिया, और दूसरी टर्म में जब वो प्रधानमंत्री बने तो इसका मार्ग प्रशस्त हो गया। 22 जनवरी को भगवान राम लला अपने स्थान पर विराजमान होने जा रहे हैं। हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि एक वो युग था जब भगवान राम पैदा हुए थे, एक यह युग है, इस युग में भी हम सबको आज किसी न किसी रूप में इस पूरे भगवान राम लला के विराजमान होने में सम्मिलित होने का अवसर मिल रहा है। मैं उत्तराखंड से आया हूँ, उत्तराखंड आप सब लोगों के लिए, पूरे देश के लिए, दुनिया के लिए एक ऐसी भूमि है जिसको देवभूमि कहते हैं, देवभूमि। और कहीं भी हम दुनिया के अंदर जाते हैं तो जब हम जैसे ही बताते हैं कि हम उत्तराखंड के हैं डॉक्टर, तो लोगों के मन के भाव बदल जाते हैं, उनको लगता है कि ये देवभूमि के हैं, कहीं ना कहीं भगवान की अपार कृपा के नजदीक से आए। तो देवभूमि के अंदर बहुत सारे हमने चुनौतीपूर्ण और कठिन काम, उन पर भी भगवान राम की कृपा से हमने निर्णय लिया है कि हम उस पर आगे बढ़े हैं। कठोर निर्णय लेने पर भी हम पीछे नहीं हटे, हमने कठोर निर्णय लिए, चाहे वो अतिक्रमण का मामला हो, आपने देखा होगा राज्य के अंदर आज 5000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन हमने जो लैंड जिहाद के रूप में अतिक्रमण की गई थी, उस अतिक्रमण को मुक्त कराने का काम हमने किया। प्रदेश के अंदर
वो लैंड जिहाद चलता था, उस लैंड जिहाद से मुक्ति का काम हमने प्रारंभ किया है। उसके साथ साथ देवभूमि का जो मूल स्वरूप है, जिसके लिए देवभूमि जानी जाती है, वो देवभूमि का मूल स्वरूप बना रहे, उसके लिए हम यथासंभव हर कोशिश कर रहे हैं, हर प्रयत्न कर रहे हैं, हर प्रयास कर रहे हैं। नकल का हमने बच्चों के लिए भविष्य के लिए नकल में, क्योंकि उसके कारण से तमाम ऐसे हमारे बेटे बेटियां, हमारे भाई बहन जो परीक्षाओं में भाग लेते थे लेकिन उनका नंबर नहीं आता था, हमने पूरे हिंदुस्तान का, पूरे भारतवर्ष का, देश का भाई साहब सबसे बड़ा नकल विरोधी कानून लागू किया है। उसके कारण से आज हमारे जो बच्चे हैं जो परीक्षाओं में भाग लेते हैं, वो एक परीक्षा में नहीं, एक परीक्षा के साथ साथ आज चार चार परीक्षाओं में एक साथ उत्तीर्ण हो रहे हैं इस अध्यादेश के लागू होने से। आज में यहाँ पर मोदी जी ने तो हमारे देश के अंदर नारी शक्ति बंधन अधिनियम बना दिया, हमारी मातृशक्ति को उन्होंने देश के अंदर आरक्षण की व्यवस्था कर दी, जो आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुई है, इतना बड़ा फैसला हुआ है मातृशक्ति के उसमें। हमने उत्तराखंड में भी 30% का सैनिक आरक्षण, उत्तराखंड में हमने पहले ही हमारी मातृशक्ति को आगे आने के लिए सभी सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था कर दी। ऐसे हम बहुत सारे निर्णय ले रहे हैं। आज पूरे देश के लोगों का कहीं ना कहीं एक फोकस उत्तराखंड की तरफ हुआ है, चाहे वो आज चार धाम यात्रा हो, चार धाम यात्रा कभी 5 लाख 10 लाख की हुआ करती थी मुश्किल से, आज 56 लाख लोगों ने जो है इस वर्ष की यात्रा में भाग लिया, 56 लाख लोग। केदारखंड में यात्रा चल रही है, मानसखंड को भी जो है आगे लाने के लिए मानसखंड मंदिर माला मिशन हमने शुरू कर दिया है। अभी प्रधानमंत्री जी ने आदि कैलाश के दर्शन किए, वो पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 18,000 फुट की ऊंचाई पर जाकर पूरे देश दुनिया को कहीं ना कहीं आदि कैलाश की तरफ भी सबका ध्यान आकर्षित किया है। प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो पूरा उत्तराखंड तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमने G20 की तीन समिट उत्तराखंड के अंदर आयोजित की और तीनों ही रामनगर में, नरेंद्र नगर, ऋषिकेश में शानदार आयोजन हुआ। अभी अभी हमने उत्तराखंड में निवेश को लाने के लिए पूरे देश दुनिया के लोगों को आमंत्रित किया, दुनिया के 50 से भी अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने उत्तराखंड आए और 3.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का निवेशकों ने हमारे साथ करार किया है। हर क्षेत्र में आज आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड। आप सबके आशीर्वाद से, आप सबकी मैं कहूँ कि आप सबके सहयोग से हम लोगों ने संकल्प लिया है कि हम देश के अग्रणी राज्यों में हमारा स्थान है, उसमें हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद हमको मिल रहा है। हमने केंद्र में जितनी भी योजनाएं यहाँ भेजी हैं, सारी योजनाओं पर हमको लगातार स्वीकृति प्राप्त हो रही है। मैं आप सबका एक बार फिर से और आदरणीय गीताराम त्रिपाठी जी का, जिन्होंने देश दुनिया के अंदर हमारे अध्यात्म को, हमारे ज्ञान को, संस्कृति को, इस पताका को फहराने का काम किया है, आपका मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ कि आपके साथ मुझे इस रामकार्य में साझा होने का अवसर मिला। भाई साहब का, ब्रेन जी का, क्योंकि मैं बोलूँगा तो बहुत देर तक बोलते रह जाऊँगा, फिर पता नहीं लगेगा मुझे कितना टाइम हो गया, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा न कहते हुए मैं आप सबका बहुत अपने हृदय से, और अभी नया वर्ष भी आने वाला है एक दिन बाद, उसकी भी मैं आप सबको शुभकामनाएं देते हुए, हमारे सभी त्यौहार आ रहे हैं उनकी भी बधाई देते हुए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान राम की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। भगवान राम आपको अपनी कृपा हमेशा देते रहें और अपने अपने घरों में, परिवारों में सब सुख समृद्धि हो, सबके घर में जो है उन्नति हो, इतनी कामना करते हुए आप सबका धन्यवाद करते हुए, विशेष रूप से भाई साहब का, हमारे वीरेंद्र जी का बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतने सुंदर कार्य में सहभागी होने का अवसर मिला और जो आपने तपस्या की उसका अंश मात्र मुझे भी उसका पुण्य प्राप्त हो जाएगा या पहुँचा हूँ मैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत सादर सादर अभिनंदन।